शहर में मामूली विवाद में दो दबंग युवकों द्वारा लोगों पर हथियार थानने का वीडियो वायरल। प्रधान पुत्र बताया जा रहा घर की बालकनी पर खड़े होकर नीचे खड़े लोगों पर हथियार तानने वाला युवक। लोगों की तरफ तमंचा तानने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल। वीडियो में एक मंजिल ऊपर खड़े दो लोग नीचे खड़े लोगों की तरफ गन तानते हुए आ रहे नजर। हथियार तानने वालों में एक बताया जा रहा प्रधान पुत्र सिकंदराबाद के मौलाबाद का बताया जा रहा वायरल वीडियो। वहीं दूसरी घटना जनपद बुलंदशहर के खुर्जा की है, जहां मामूली विवाद में मीट की दुकान पर जमकर चाकूबाजी हुई। चाकूबाजी में दो लोग घायल, एक युवक को आई गंभीर चोट। गली में रखे स्टूल हटाने को कहने पर बताया जा रहा विवाद। इस घटना में मीट कारोबारी पर चाकू से हमला करने का आरोप। अम्मा दर्शन, ये वहाँ पे गली में एक स्टूल रखा हुआ था, उसे स्टूल हटाने के लिए मना करा और जी तो बीच बिछाव होने लगा, उसमें लड़ाई कहन सुनन हो गई। इतने में ही सुलेमान और सुलेमान के तीन बच्चे जिसका नाम जिशान, सोनू और इमरान, ये तीनों आए और छुरी चक्कू लेकर आए। रईस भाई जो हैं एक को बचा रहे थे, एक के उन्होंने चाबी मारी सर में, उन्होंने भी वो भी कैलाश हॉस्पिटल में एडमिट है। और वो इमरान या जना जिशान वो छुरी लेकर आया, उसने जैसे रईस भाई ने हाथ उसका आगे लगाया तो रईस भाई का हाथ कट गया और उसके सर पर लगनी थी छुरी, वो तो दो बार छुरी मारी है उन्होंने। यहाँ पर बहुत तगड़ा जख्म है और ये मेरी हालत है, उन्हों को लेकर आया हूँ। तो हालत कैसी है उनकी? अब हालत तो फिलहाल एडमिट है, पता कुछ नहीं है। और बाबर के यहाँ पर गए थे हम तो उन्होंने मना कर दिया कि इनको अलीगढ़ ले जाओ। तो कहाँ का मामला है ये? भी नहीं दिखा रहा कहाँ ये ईद करोड़ खीर खाने का मामला है। तो पुलिस को शिकायत दे दी आपने? पुलिस को शिकायत अभी कर रहे हैं, अभी यहाँ से रिपोर्ट लेंगे हम, यहाँ से मेडिकल तो मेडिकल लेके अभी जाएंगे वहाँ पे। बीच बचाव में आए युवक को भी आई चोट, घायल को खुर्जा के अस्पताल में कराया गया भर्ती। गन से डराते दबंगों की वीडियो बुलंदशहर के सिकंदराबाद थाना क्षेत्र की, जबकि चाकूबाजी में घायल होने की घटना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला खीरखानी की है। जनपद में आए दिन हो रही अपराधों की घटना पर लगाम ना लगा पाने से बुलंदशहर पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। बुलंदशहर से टाइम 24 न्यूज के लिए इकबाल सेफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।